छात्रों, आज हम जिस व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण की परिभाषा दी है, उसको पहले जान लेते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अव्यय यानी जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, काल, वचन, लिंग, पुरुष, इसके अनुसार जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है उनको क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। और अव्यय के भी भेद है पांच, उनमें से क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोध, तीसरा है संबंध बोध, चौथा है विस्मयादि बोध और पांचवा है निपात। ऐसे पांच भेद है, इनमें से हम पहले भेद के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण, इसका ही अध्ययन आज इस वीडियो के द्वारा हम करने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा हमने देखी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। इसके पहले हमने अध्ययन किया था विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। तो इस वीडियो के द्वारा हम देखने वाले हैं क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। अब देखो यहाँ पर हमने चार उदाहरण लिए हैं, यहाँ पर चार उदाहरण है, इन चार उदाहरणों के द्वारा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं इसकी जानकारी हम लेते हैं। तो चलो पहला उदाहरण है गाड़ी ध्यान से चलाओ, गाड़ी ध्यान से चलाओ। यहाँ पर देखिए चलाओ यह क्या है, वाक्य की क्रिया है, चलाना चलाओ, तो कैसे चलाओ, तो ध्यान से चलाओ। यहाँ पर देखिए गाड़ी कैसे चलाओ, ध्यान से चलाओ। तो यहाँ पर हमने प्रश्न पूछा, क्रिया को प्रश्न पूछा कि कैसे, कैसे प्रश्न पूछने पर यहाँ पर हमें क्या मिला, ध्यान से। उत्तर जो मिला है ध्यान से वही क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। यहाँ पर देखो चारों ओर पानी भरा था, कहाँ पानी भरा था, तो चारों ओर पानी भरा था। यहाँ पर चारों ओर जो है वो क्या है, इस वाक्य की क्रिया विशेषण शब्द है। इसमें भरा था, भरा था कहाँ भरा था, पानी कहाँ भरा था, तो चारों ओर, उत्तर जो मिलता है वो चारों ओर है। देखो तीसरा जो उदाहरण है, बच्चा रात भर रोता रहा, बच्चा कब तक रोता रहा, तो रात भर। इसमें हमने प्रश्न पूछा कब तक, कब, तो रात भर, यह उत्तर मिला है, तो रात भर यह शब्द क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। देखो चौथा उदाहरण है, ये लड़कियां बहुत बोलती हैं, कितनी बोलती हैं, तो इसका उत्तर मिला है बहुत, इसका उत्तर क्या है, बहुत। तो ये चारों जो उदाहरण है इनको अलग अलग प्रश्न हमने पूछा तभी अलग अलग उत्तर हमें मिले। देखो गाड़ी ध्यान से चलाओ, इसको हमने क्या प्रश्न पूछा है, कैसे, गाड़ी कैसे चलाओ, तो ध्यान से चलाओ। चारों ओर पानी भरा था, कहाँ पानी भरा था, तो चारों ओर पानी भरा था। यहाँ पर देखिए कैसे हमने प्रश्न पूछा, यहाँ चारों ओर पानी भरा था, कहाँ पानी भरा था, यहाँ पर कहाँ प्रश्न पूछा। देखो यहाँ पर बच्चा रात भर रोता रहा, बच्चा रात भर रोता रहा, बच्चा कब तक रोता रहा, तो यहाँ पर कब तक, यह प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिला है वही क्रिया विशेषण अव्यय है। ये लड़कियां बहुत बोलती हैं, तो इसको प्रश्न पूछना पड़ेगा कितनी, ये लड़कियां कितनी बोलती हैं, तो बहुत बोलती हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछा, यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर कब तक और यहाँ कितनी, ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछने पर यह उत्तर जो हमें मिले हैं वो क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के भी भेद, क्रिया विशेषण अव्यय है इसके भी चार भेद किए जाते हैं, वो भेद कौन से हैं इसकी जानकारी हम अभी लेते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भेद जो है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा दी है, जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो यहाँ पर रीति या ढंग, क्रिया करने की पद्धति कैसे है, इसके बारे में जो जानकारी देता है शब्द उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरण में देखिए अजय अचानक छत से गिर गया,
अजय अचानक छत से गिर गया, तो यहाँ पर कैसे गिर गया? अचानक। प्रश्न क्या पूछा हमने? कैसे? अजय कैसे छत से गिर गया? तो अचानक वह छत से गिर गया। तो यहाँ पर देखिए अचानक यह हमें जो शब्द मिला है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। देखिए गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, दूसरा उदाहरण जो है वह है गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। गाड़ी कैसे चल रही है? क्या प्रश्न पूछा हमने? कैसे? तो उत्तर मिलता है धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। धीरे धीरे, अचानक, ध्यानपूर्वक, ऐसे जो शब्द रहते हैं वो क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। देखो वाक्य को हमें क्या करना पड़ता है? कैसे अगर प्रश्न पूछा, क्रिया देखकर हमने वैसे ही प्रश्न पूछा तो जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है? वही क्रिया विशेषण होता है। पर क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। इनमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण को अगर कैसे, वाक्य को अगर कैसे ऐसा प्रश्न पूछा तो जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। रीति यानी क्या? ढंग, कार्य करने की पद्धति। ओके, जो तो इतना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अभी दूसरा भेद देखते हैं। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद जो है उसका नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने में स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए इनसे, इन वाक्यों में हमें स्थान का पता चलता है, और स्थान का पता चलने के लिए हमें कोई तो प्रश्न पूछना पड़ेगा, है ना? तो चलो इसको हम प्रश्न पूछते हैं कि अभी आप वहां चले जाइए, अभी आप वहां चले जाइए। तो यहां पर देखिए, अभी आप वहां चले जाइए, इसको हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा कि कहां। क्या प्रश्न पूछना पड़ेगा? कहां। तो अभी आप कहां चले जाइए? तो उत्तर मिलता है वहां। क्या उत्तर मिलता है? वहां। तो ये वहां शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखो दूसरा उदाहरण है, ईश्वर सब जगह देखता है। ईश्वर कहां देखता है? तो उत्तर मिलता है सब जगह। तो इसमें देखिए स्थान का पता लगाने के लिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए कुछ प्रश्न पूछना पड़ता है। वो प्रश्न क्या है? कहां। कहां प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वो क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो देखिए यहाँ पर वहां शब्द मिला है, वहां यह एक स्थान यानी जगह बताई गई है। यहाँ पर आप कहाँ चले जाइए? तो वहां चले जाइए। दूसरा देखिए, ईश्वर सब जगह देखता है। ईश्वर कहाँ देखता है? तो सब जगह पर देखता है। यहाँ भी स्थान का पता चल रहा है। तो ये रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखते आगे बच्चों, क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए इसमें समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो इसीलिए इसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो चलो प्रश्न पूछते हैं, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो यहाँ पर देखिए वह कब व्यायाम करता है? तो इसका उत्तर मिलता है प्रतिदिन। इसका उत्तर क्या मिलता है? प्रतिदिन। वह कब व्यायाम करता है? तो वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो प्रतिदिन क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। दूसरा है, कभी कभी आ जाया करो। कब आ जाया करो? हमने प्रश्न पूछा कब, तो उत्तर मिलता है कभी कभी। कभी कभी आ जाया करो। देखो इसको हमने प्रश्न पूछा तो प्रतिदिन मिला, इसको हमने प्रश्न पूछा तब कभी कभी ऐसे मिला। तो यह क्या, दोनों भी शब्द क्या बता रहे हैं? काल, समय बता रहे हैं। इसीलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। बच्चों क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का ज्ञान हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब परिमाण वाले शब्द कौन से होते हैं देखिए, तो पहला उदाहरण है, मुझे थोड़ा बोलने दो। मुझे थोड़ा बोलने दो,
मुझे कितना बोलने दो, तो थोड़ा। इससे हमें परिमाण, इसका प्रमाण, बोलने का प्रमाण ज्ञात होता है। तो यहाँ पर थोड़ा शब्द मिला, कितना बोलने दो, थोड़ा बोलने दो। दूसरा उदाहरण है, उसके पास बहुत धन है, उसके पास बहुत धन है। कितना धन है, तो बहुत धन है। तो बहुत और थोड़ा, ऐसे जो शब्द मिलते हैं वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के द्वारा हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा देखी, क्रिया विशेषण के चार उदाहरण भी देखे, उनमें से अलग अलग प्रश्न पूछकर हमने अलग अलग उत्तर भी पाए। उसके बाद हमने क्रिया विशेषण के चार भेद देखे, उसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और उनकी परिभाषा और उनके दो दो उदाहरण हमने इस वीडियो के द्वारा देखे। यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण यह व्याकरण पूरा होता है। आपके पास जो वर्कशीट है क्रिया विशेषण की, उसे आपको पूरा करना है।